फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे हम सी कॉस्ट शिपिंग शेयर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है शेयर से रिलेटेड, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले, चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। सो करेंट प्राइस है 4.13। एक अपर सर्किट हमें आज देखने को मिला है फ्रेंड्स 4.82% का। 52 वीक हाई है 25 रुपीज़ के आसपास एंड लो है 2 रुपीज़ के आसपास। सो अभी हम कहें तो 52 वीक लो के ही नियर है। 5% का सर्किट है फ्रेंड्स इसमें सेबी की तरफ से फॉर द अपर एंड द लोअर बैंड। टर्नओवर है 56 लाख का। मार्केट कैप है 139 करोड़ का। मार्केट कैप इतना अच्छा नहीं है, बट एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ क्या आई है वो ज़रूर बताऊँगी आपको। उससे पहले देखते हैं इनके फंडामेंटल्स। ROE 5.17, EPS 0.07, CEPS 0.07, PEF 56। लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करता एक पेनी स्टॉक है। अभी T+2 डेज का सेटलमेंट साइकिल है। जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया है वो है 3 करोड़ का। एंड मार्च क्वार्टर में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2.30 करोड़ का लॉस आया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है जून क्वार्टर में। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, आप सबको पता है। अगर उसमें भी प्रॉफिट आता है या फिर प्रॉफिट बढ़ के आता है तो हमें शेयर प्राइस में एक अच्छी जंप देखने को मिलेगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है 52% के आसपास एंड पब्लिक की है 47% के आसपास। फ्रेंड्स, इस शेयर में थोड़ा बहुत ऑपरेटर गेम भी चलता है। शेयर ऊपर जाता है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है इसमें, तो आपको इस अकॉर्डिंग भी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेके चलना। अब फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ ये है कि राइट इश्यूज़ आ रहे हैं इस शेयर के। तो राइट इश्यूज़ आ रहे हैं और जो रेशियो है वो है 1:1 की। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आप एक और 1 राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड डेट अभी मैनेजमेंट ने नहीं बताई, एक्स डेट भी अभी मैनेजमेंट ने नहीं बताई है। लास्ट आज के डे का वॉल्यूम था 14 लाख का। तो फ्रेंड्स, अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई, एक्स डेट नहीं आई, बट राइट इशूज़ आएंगे। एंड जो जैसे ही डेट आएगी डिस्क्लोज करेगा मैनेजमेंट, मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। रेशियो बता दिया 1:1। अब टारगेट आप क्या लेके चल सकते हैं। 4.20 का टारगेट आप अपर साइड में लेके चलिए एंड 4.05 का लोअर साइड में। सो फ्रेंड, चांसेस हैं। देखो, अगर कल मार्केट में ज़्यादा गिरावट होती है, बिकॉज आप सबको पता है अभी ग्लोबली मार्केट अफेक्ट है, तो मार्केट में गिरावट हो सकती है। अगर ज़्यादा गिरावट होगी तो फ्रेंड्स फिर सारे शेयर में करेक्शन होगा, फिर ये डाउन ट्रेंड वाला टारगेट अचीव करेगा। बट अगर एक नॉर्मल करेक्शन या नॉर्मल थोड़ा ग्रीन भी चल रही है मार्केट, तो हम इसमें 4.20 के टारगेट्स देख सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जो अपडेट था राइट इशू से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दिया है। अब हमें वेट है एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट का। जैसे ही आ जाएगी मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। तो आपको बस बेल बटन प्रेस करके रखना है फ्रेंड्स। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड वंस अगेन, दिस वीडियो इज़ अगेन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से क्या करना है आपको, अच्छी तरह रिसर्च, ताकि आप हमेशा सेटिस्फाइड रहे कि आपने एक अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है। कभी भी लॉस मेकिंग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना फ्रेंड्स। पेनी स्टॉक्स में आपको 3 चीज़ें ज़रूर चेक करनी है, कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी ना हो और शेयर होल्डिंग अच्छा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।